तो गुरु का दर्शन और गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का गुणगान, गुरु के गुणों का बखान, गुरु का प्रचार प्रसार। सप्ताह में एक दिन का समय निकालकर गृहस्थ भक्त को भी गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए जन जन में संपर्क करना चाहिए। दूसरे दूसरे गांवों में जाकर के अपने ही मुख से सत्संग सुनाकर, गुरुदेव का प्रवचन यूट्यूब से सुनाकर लोगों को भक्ति के मार्ग में जोड़ना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि सभी जीव आत्माएं भटक रही हैं, न जाने कहां कहां कितनी बुराइयों में लोग फंस जाते हैं, व्यसन विलास में फंस जाते हैं, माया मोह में पड़ करके क्रोध लोभ मोह में धस जाते हैं, जिससे बहुत दुखी होते हैं। अगर वे सत्संग से जुड़ जाएंगे, गुरुदेव के ज्ञान से जुड़ जाएंगे, तो उनका माया मोह कम हो जाएगा, उनको भी ज्ञान हो जाएगा, उनके जीवन में थोड़ी शांति आ जाएगी और उनका कल्याण होगा, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए प्रचारक भक्त बनो, डेड बॉडी भक्त मत बनो। दिन रात धन ही धन कमाते रहो, धर्म भी कमाना। और धन भी दो प्रकार का होता है, भौतिक धन, आध्यात्मिक धन। स्वार्थ के कार्यों को सफल करने वाला धन परमार्थ के मार्ग में पूंजी की तरह काम करने वाला धन परमार्थ धन है। उस धन को भी कमाओ। उसको भी कमाइए, सद्गुणों का धन भी कमाइए, सदाचार का धन भी कमाइए, सदचरित्र का धन बचाइए। ये रुपये पैसे सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती धन तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा पवित्र कर्म है, तुम्हारे सद्गुण हैं, सदाचार हैं, सत्कर्म हैं। ये नोटों के धन से भी ज़्यादा कीमती धन है। नोटों के धन से तुमको केवल सामान मिलेगा, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी। और ये परमार्थ का जो धन है, ज्ञान धन, क्षमा धन, सहनशीलता धन है, सदचरित्र धन है, इसको यदि तुमने कमा लिया तो इससे सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। इसको कमाओ, और ये सत्संग में ही मिलता है, इधर उधर नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, उधार में नहीं मिलेगा, खेत में नहीं मिलेगा, दुकान में भी नहीं मिलेगा, घर परिवार में नहीं मिलेगा, भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, ये केवल सत्संग में मिलेगा। इसलिए सत्संग का महत्व रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है कि एक क्षण अगर सत्संग सुन लो, उसका जो सुख है, धरी तुला एक अंग, तूलना ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। उसको अगर पूरे विश्व का धन एक तरफ रख लिया जाए तराजू पर, और सत्संग का सुख एक तरफ रखा जाए, दूसरी तरफ डांडी को उठा दिया जाए, तो सत्संग का सुख जितना वजन है, दुनिया में कोई सुख उतना वजन नहीं। सत्संग सुखदायिनी है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग
एक क्षण का सत्संग भी जीवन की सोच को बदल देता है, विचारों में भारी परिवर्तन ला देता है, दुख के कांटे सुख के फूल में बदल जाते हैं। संतों भक्त शतो गुरुवान। और कबीर साहब कहते हैं जब भक्ति बढ़ती है तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। पाहन फोरी गंग यक निकरी, अज्ञानता रूपी चट्टान को, विषया शक्ति की चट्टान को तोड़कर ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। और उस ज्ञान की गंगा में दो पहाड़ डूब जाते हैं, मोह का पहाड़ और अहंकार का पहाड़। कबीर साहब ने मोह को पहाड़ कहा है, अहंकार को भी पहाड़ कहा है कि मोह बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ को लाद कर तुम घूम रहे हो। अभिमान भी बहुत बड़ा पहाड़ है। ये दोनों जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तब ये दोनों डूब जाते हैं फिर इनमें, और इनके डूबते ही अहंकार का पहाड़ जब डूबता है तो नम्रता का जन्म होता है, और मोह ममता का पहाड़ जब डूबता है शुद्ध प्रेम का जन्म होता है, शुद्ध प्रेम। और याद रखना, शुद्ध प्रेम का होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं। ज़्यादातर लोगों का प्रेम स्वार्थ से लिपटा हुआ रहता है और ज़्यादातर लोगों का प्रेम लोभ से भी लिपटा रहता है। शुद्ध प्रेम, खालिश प्रेम का होना बहुत कठिन है। ये मोह शुद्ध प्रेम को विकृत कर देता है, ममता शुद्ध प्रेम को बिगाड़ देती है। और जब मोह समाप्त होता है ना, तुम प्रेम के सागर हो जाते हो, करुणा के सागर हो जाते हो, फिर तुम्हारे अंदर बहुत दया आती है, सबके ऊपर दया आने लगती है। सोचने लग जाते हो किसकी क्या सेवा करूं, किसको क्या मदद करूं। और जब तुम मदद करते हो, परोपकार करते हो किसी का, उससे बहुत सुख और प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये मदद करना छोटी बात नहीं, बहुत कठिन, और परोपकार से बड़ा कोई धर्म भी नहीं, ऐसा मानस भी कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी को यदि आप सत्संग में जोड़ दिया है ये बहुत बड़ा परोपकार है। भौतिक स्वार्थिक परोपकार भी होते हैं, पैदल जा रहा तुमने थोड़ा गाड़ी का सहारा दे दिया कि आइए बैठ लीजिए मैं आश्रम पहुंचा देता हूं, ये भी परोपकार है। किसी के पास किराया भाड़ा नहीं है, तुमने कहा कि आइए मैं दे देता हूँ, लो 200 रुपये लो जाओ गुरुजी के दर्शन कर लो जाकर के। किसी के पास में कन्या का विवाह करने के लिए क्षमता नहीं है, सामूहिक आदर्श विवाह का प्रोग्राम रख करके यदि तुम गरीबों की कन्याओं का वर ढूंढ देते हो ये भी परोपकार है, सांसारिक परोपकार है। और इसका भी बड़ा महत्व है, किसी का मकान बन रहा है, कोई अच्छे इंजीनियर से उसकी मुलाकात आपने करा दिया, उसके मकान का डिज़ाइन नक्शा अच्छा बन गया, सुंदर मकान बन गया, वो आदमी खुश हो गया। कितने लोग इसलिए भी मकान अच्छा नहीं बना पाते हैं क्योंकि इंजीनियर से उनकी भेंट नहीं हो पाती है। वो इंजीनियर को कुछ बहुत बड़ा हवा भी समझते हैं, वो सोचते हैं अरे इंजीनियर से कौन मिले, कहाँ जाओ ढूंढो, और उनको डर लगता कहीं 1 लाख रुपये इंजीनियर ही न मांग ले, ये भी डर है। और कितने इंजीनियर ऐसे हैं भी
जो तुम्हारा 20 लाख का मकान तो 1 लाख वो भी ले लेंगे। लेकिन इंजीनियर को भी सस्ता रहना चाहिए, उसमें नक्शा बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। और जैसा अगर गरीब व्यक्ति है थोड़ा कम भी ले लीजिए, कोई ज़्यादा संपन्न है तो जो आपका मजदूरी बनता है पूरा ले लीजिए, कोई बात नहीं है। उसमें भी परोपकार का भाव रखिए। यदि आप डॉक्टर हैं, आपके पास में तरह तरह के मरीज आते हैं, दीन दुखी गरीब अमीर, तो जैसा मरीज है वैसा उस पर दया भाव रख करके दवाई दीजिए, सबको फायदा करे। गरीब आदमी है तो कम पैसे ले लीजिए, अपनी फीस छोड़ दीजिए, 75% छोड़ दीजिए, 2-4 मरीज गरीबों को निःशुल्क देख लीजिए, उससे बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। जब तुम किसी की सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, उससे तुम्हारे मन को खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। और जब तुम दान करते हो तो ही मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। जब तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, लालच करते हो, तो मन में चिंता और टेंशन होती है, बहुत तनाव होता है। और जिनके लिए ये सब छल कपट करते हो, वे भी तुम्हारा अपमान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये ठीक आदमी नहीं है। वे तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम करें। एक सेठ कह रहा था कि हमने जिस परिवार के लिए बहुत जागा भी हूँ, भागा भी हूँ, मेहनत भी किया हूँ, रात दिन मर मिटा हूँ, वो परिवार जो है सीधे मुँह बात नहीं करता है। मेरी पत्नी भी बहुत खतरनाक है और मेरा बेटा उससे ज़्यादा खतरनाक है, और मेरी बहू जो है वो तो मेरे को भोजन भी नहीं परोसती है। तो हमने कहा आप महान हो, कम से कम 100-100 जूता खाकर तमाशा देख तो रहे वहीं पर, ये कोई कम महानता है? जरा भी आपके अंदर विवेक नहीं है, उसी मोह ममता में धसे हुए हो। 1 मिनट का समय नहीं है आपके पास सत्संग सुनने का। इस परिवार को बिगाड़ने में भी तो तुम्हारा ही हाथ है, परिवार को कभी सत्संग में आने नहीं दिया, न भक्ति करने दिया, न ध्यान लगाने दिया, बस रात दिन बैल की तरह जुटे रहो, बैल की तरह पैरते रहो, तो फिर ये बैल तुम्हारे सिंग तो मारेंगे ही, ये तो पूरा घर ही तुम्हारा बैल हो गया है। ये सब गधे घोड़े तैयार हुए, लात मारेंगे, मुंह मारेंगे, थूथन मार देंगे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। परिवार को समय निकाल कर सत्संग में बिठाइए, सत्संग में जाइए। परिवार के लोग मूर्ख नहीं है, वो भी कुछ सुनता है, समझता है, सीखता है, वो बुद्धि रखता है। आपकी कोई पत्नी बन गई, तुम समझ लो ये पूरा मूर्ख हो गई। अब जिस दिन से पत्नी हो गई तो ये ज़्यादातर पति लोगों को यही विश्वास है कि मेरी पत्नी को बुद्धि नहीं है। अब कितने पति लोग कहते भी हैं, अगर स्त्री के नाक ना हो तो न जाने का खा जाए, ऐसा बोलते हैं। वो अपने को अपने को ही बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अब वो पत्नी बोलती है कि इनका अगर हम न संभाली तो न जाने कहाँ कहाँ गिर जाती, अब तक वह समझते यू बैल है पूरा। अब दोनों की टेंशन पाले हैं फालतू। स्त्रियाँ बुद्धिहीन नहीं हैं, स्त्रियों के पास भी बहुत बुद्धि है। एक वो भी स्त्री है जो प्रधानमंत्री बनती है, मुख्यमंत्री बनती है। पुरुष भी बुद्धिमान होते हैं, वो भी पुरुष है जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर बनता है, डीएम बनता है, लेडीज़ भी डीएम बनती है, लेडीज़ एसपी भी बनती है, पूरे ज़िले को संभालती है। जिस ज़िले में लेडीज़ एसपी आ जाती है, उस ज़िले के सब जवान जो बूढ़े हो गए वो फिर से जवान हो जाते हैं, पुलिस जवान, क्योंकि लेडीज़ का अनुशासन हमेशा टाइट रहता है, ज़्यादा रियायत नहीं करती, चाहे जिस विभाग में हो। जैसे मायावती सरकार थी तो टाइट थी, टाइम पर लोग ऑफिस पहुंचते थे डर के मारे। इंदिरा गांधी भी टाइट थी, गोली चलवा देती थी, लाठी चार्ज हो गया, धमाधम पिटाई होती थी लोगों, बहुत पीटे मारे गए लोग।
अब अगर आपकी पत्नी आपको थोड़ा पीटे और मारे और डांटे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम सुधरोगे कैसे आखिर। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सब प्रवचन सुन रहे हैं तो सारी लेडीज आज से अपने पतियों की ठोकाई पिटाई शुरू कर दे कि गुरुदेव ने भी छूट दिया है, अब दुरुस्त करेंगे इनको, माधव लाल को देखो, उद्धव भाई माधव भाई बनाएंगे इनको। ऐसा अर्थ नहीं है, ठोकाई पिटाई की जरूरत नहीं है, परिवार प्रेम से ही चलता है, चाहे वो संत परिवार हो, चाहे गृहस्थ परिवार हो, भक्त परिवार हो या राजनीतिक परिवार हो, प्रेम की डोरी में ही बांधकर उसे चलाया जा सकता है। थोड़ा बहुत लोगों को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन आप अगर ऐसा कड़ाई कर दें कि आपकी पार्टी में कोई रहे ही न जाए, सबको निकाल कर बाहर कर दें, सबको भगा दें, तो आप क्या चलाएंगे, सरकार क्या चलाएंगे, तुम्हारी पार्टी ही ख़त्म होगी। कितने लोग पार्टी के अगुआ हैं, उनके पास में सहनशीलता नहीं, विवेक नहीं, तो विवेक सहनशीलता न होने के कारण उनको क्रोध बहुत आता है, और क्रोध में जो है वो लेकर डूब जाते हैं, अपनी पार्टी के ऊपर ऐसा रिएक्शन करते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर भी सब निकाल निकाल के बाहर करते जाते हैं।